हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्नेक बाइट और उसमें होने वाले ट्रीटमेंट्स के बारे में। स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं एक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और वो मेडिसिन है होम्योपैथी की नाजा 200। क्योंकि इस मेडिसिन को लेकर कई सारे लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स हैं और खासकर ये डाउट्स और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने एक वीडियो में लोगों को बताया था कि जब भी किसी पेशेंट को स्नेक बाइट हो तो किसी भी सिचुएशन में आप पेशेंट को 10-10 मिनट पे नाजा 200 की दो दो बूंद पेशेंट को मुंह में डालें और ऐसा करने के बाद पेशेंट की शरीर से वेनम्स बिल्कुल गायब हो जाएगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस बात को मैं भी मानता हूं कि श्री राजीव दीक्षित इतने बड़े शख्स हैं, इतने माननीय हैं, इतने ज्यादा उनके फॉलोअर हैं और वो खुद भी इतने ज्ञानी हैं कि जितने भी लोग उस वीडियो को देखे हैं ज्यादातर लोगों के मन में ये ट्रीटमेंट्स बैठ गई। तो अब सवाल उठता है कि इस मेडिसिन की रिलायबिलिटी कितनी है, ये कितनी ऑथेंटिक मेडिसिन है या फिर ये मेडिसिन स्नेक बाइट के लिए बनी भी है कि नहीं, इसकी पूरी सच्चाई आपको पता हो सके। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक की ये मेडिसिन यानी कि नाजा 200 के ऊपर बिल्कुल रिलायबल, ऑथेंटिक और मेडिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं राजीव दीक्षित जी को नीचे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो पब्लिश होने के बाद काफी ऐसे लोग हैं जो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर ट्रोल्स करेंगे, हमें वीडियो में भद्दी भद्दी बातें भी बोल सकते हैं और कई तरीके की लोग हमें ये भी लिखेंगे कि क्या आप राजीव दीक्षित जी से बड़े शख्स हो गए हैं जो उनकी बातों को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं राजीव दीक्षित जी का बहुत ही आदर करता हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, उनकी बातों को मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखता हूं। और अगर आपकी बात इतने जन समूह तक पहुंच चुकी है, करोड़ों में लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, करोड़ों में लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जरूरी बनता है कि कोई एक शख्स सामने आए जो इस सच को सामने ला सके। क्योंकि हमारे देश में हर साल 45,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत स्नेक बाइट की वजह से होती है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को स्नेक बाइट होती है उनमें से नॉन वेनेमस स्नेक्स की बाइट होती है, लेकिन जिन 45,000 लोगों की मौत होती है क्या उन सभी लोगों की मौत जायज है? मैं समझता हूं नहीं। अगर उन लोगों को समय पे ट्रीटमेंट्स दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है और इसके लिए जरूरी है आपका सतर्क होना, आपको सही जानकारी होना। हमारे देश में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो स्नेक बाइट होने के बाद टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइम लैप्स कर जाती है। क्योंकि स्नेक बाइट होने के बाद अगर एक घंटे के भीतर सही ट्रीटमेंट्स नहीं किया जाए तो पेशेंट का जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब सवाल आता है ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की जो इसको लेकर काफी सजग हैं, वो जादू टोना के चक्कर में तो नहीं पड़ते हैं लेकिन एक मेडिसिन है नाजा 200 उसको लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि ये नाजा 200 आखिर है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि ये नाजा 200 होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो खुद स्नेक के वेनम से ही तैयार की गई है और ये मेडिसिन कोबरा के वेनम से तैयार की जाती है, जो इस मेडिसिन के पैकेट पे भी आपको मेंशन की हुई मिल जाएगी। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ये मेडिसिन खुद ही कोबरा के वेनम से तैयार की गई है तो वेनम का काट ही वेनम होता है, तो ऐसे में ये मेडिसिन जरूर ही कोबरा या फिर दूसरे सांपों के बाइट के बाद पेशेंट की जान बचा सकती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नाजा 200 एकमात्र ऐसी मेडिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन नहीं है जो स्नेक्स के वेनम से तैयार की गई है। इसके अलावा भी काफी ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन होते हैं जो स्नेक्स के वेनम से तैयार की जाती है। खासकर अगर मैं बात करूं लीवर की मेडिसिन की, किडनी की मेडिसिन की और कई सारे दूसरे लाइफ सेविंग मेडिसिन की, तो वो भी कोबरा या फिर दूसरे सांपों के वेनम से तैयार की जाती है।
तो अब सवाल उठता है कि ये नाजा 200 आखिर किस काम में आती है। तो जब भी आप होम्योपैथी की अगर आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ेंगे, खासकर अगर इस मेडिसिन की टेस्टिमोनियल किसी भी ब्रांड में, जैसे SBL हो गई, REPL हो गई, या फिर जितने भी ब्रांड्स इस मेडिसिन को बनाती है, अगर आप उसकी टेस्टिमोनियल पढ़ें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये मेडिसिन इंसान के कंससनेस को लेकर, उनकी ओवर एंग्जाइटी के लिए, ये मेडिसिन पेशेंट में हेडेक्स के लिए, ये मेडिसिन पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट में अगर चौक कर गई हो, हार्ट की नलियों में अगर प्रॉपर फैलाव नहीं हो रहा हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट में काफी ज्यादा घबराहट हो रही हो, शरीर में थकान हो रहा हो, सीवरिंग और पर्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी शिकायत हो, तो पेशेंट को ये मेडिसिन दी जा सकती है। वैसे ये ऐसी मेडिसिन है जो स्नेक के वेनम से तैयार की गई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन कभी भी घर में ना रखें और ये मेडिसिन हमेशा ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हमें लेनी चाहिए। तो जितनी भी कंपनियां इस मेडिसिन को बनाती है, अगर उसके टेस्टिमोनियल को आप गौर से देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये मेडिसिन स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट्स के तौर पे यूज की जा सकती है। तो ये बात सिर्फ राजीव दीक्षित जी के एक वीडियो से सामने आती है, जिनको कि इतने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और उनके इस बात को लेकर ज्यादातर लोग, जब भी मैं अगर स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट्स को बताता हूं, तो ज्यादातर लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर हमने तो सुना है कि नाजा 200 इसकी सबसे अच्छी दवा है, जो महज 15 से 20 रुपए में मिल जाती है, तो फिर क्या जरूरत है एंटीवेनम लेने की। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि जितने भी इंडिया में वेनेमस स्नेक्स हैं, जैसे कि कोबरा हो गई, कॉमन करैत हो गई, वाइपर की कई प्रजातियां हैं, जैसे कि रसल वाइपर, सॉय स्केल्ड वाइपर्स, बम्बू पीट वाइपर, और इसके अलावा भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी स्नेक्स का अभी हमने नाम लिया है, अगर किसी पेशेंट को इन स्नेक्स की बाइट हो जाए, तो ऐसे में आप एक बार क्या, 10 बार 20 बार या फिर पूरे दिन में 50 बार नाजा 200 मेडिसिन उस पेशेंट को दे दें, पर उसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्नेक बाइट का एकमात्र इलाज होता है, वो है एंटीवेनम। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कहीं से भी श्री राजीव दीक्षित जी को नीचा दिखाना नहीं था, क्योंकि इस बात पे सफाई देने के लिए आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना मोटिव है कि पेशेंट को, लोगों को सही जानकारी मिल सके, एक भी लोगों की जान गलत ट्रीटमेंट्स की वजह से नहीं जा सके, क्योंकि स्नेक बाइट की एकमात्र इलाज है एंटीवेनम। और हॉस्पिटल्स में किस तरह से स्नेक बाइट पेशेंट की इलाज की जाती है, कौन कौन सी एंटीवेनम है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटीवेनम किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे एक वीडियो है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए आप वो वीडियो भी जरूर देखें। वैसे हमारे आप लोगों से एक बार फिर से विनती है कि मैं राजीव दीक्षित जी का सच में बहुत ही बड़ा फॉलोअर हूं, मैं उनके आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करता हूं, मैं उनके बताए हुए रिकमेंडेशंस को अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूं, और मैं पर्सनल तरीके से उनको बहुत ही आदर करता हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में इस बात को सफाई देने के लिए या फिर करेक्शन के लिए वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा, जिससे लोगों को सही जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक, रिलायबल और मेडिकली प्रूवन उनको ट्रीटमेंट्स हो सके, और स्नेक बाइट होने के बाद किसी भी इंसान की जान नहीं जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भावनाओं को समझ पाए होंगे। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके मन की इस टॉपिक पे, खासकर नाजा 200 के ऊपर जो मन में डाउट्स है, वो क्लियर हो सके और उनको सही, रिलायबल और ऑथेंटिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।